नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार डिजिट। शिवपुरी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर आज शिक्षा विभाग के मृतक बाबू वृंदावन लाल शर्मा के परिजनों ने धरना प्रदर्शन किया। मृतक के परिजनों की मांग है कि सुसाइड नोट में लिखे शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस मामला दर्ज करे। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने मृतक के परिजनों को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन मृतक के परिजन नहीं माने। इस दौरान मृतक वृंदावन लाल शर्मा की बेटी अपने पिता को इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस अधीक्षक के पैरों पर गिर गयी। गौरतलब है कि शिवपुरी के शिक्षा विभाग के बाबू वृंदावन लाल शर्मा ने शिक्षा विभाग के कुछ लोगों से त्रस्त होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी और एक 4 पेजों का सुसाइड नोट भी छोड़कर गए थे, जिसमें शिक्षा अधिकारी और 2 बाबुओं के नाम लिखकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया था। वहीं इस मामले पर मृतक वृंदावन लाल की बेटी का कहना है कि उनके पिता को प्रताड़ित करने वाले आराम से घूम रहे हैं, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। वहीं इस मामले पर पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल का कहना है कि मृतक के सुसाइड नोट में राइटिंग की जांच की जा रही है और पीएम रिपोर्ट भी अभी नहीं मिली है। रिपोर्ट आने पर जांच के बाद जो भी दोषी होगा उस पर मामला दर्ज किया जाएगा। समाचार डिजिट के लिए शिवपुरी से साबिर खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जया शर्मा। जय जी, आप एसपी ऑफिस पर आए थे, आप सब परिवार वाले आए, क्यों आए? बस हम अपने पिता के लिए न्याय चाहते हैं। किस तरह का? जिन लोगों की वजह से मेरे पिता इतने दुखी होके उनने ये कदम उठाया है, तो वो लोग जो आज सो रहे हैं अपने घर में आराम से, वो ना सोए उनको भी उसी तरह की सजा मिले। जो लोग यहाँ पर आए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये एक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ बाबू थे वृंदावन शर्मा, जो सुसाइड इन्होंने किया हुआ है। जब देहात थाने में एक मर्ग कायम है जिसमें सुसाइड के संबंध में बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया था और मर्ग जांच में इनके परिवार वालों और सबके कथन वगैरह लिए जाते हैं। इसमें इनके परिवार का ऐसा कहना था कि चूंकि ये इन्होंने अपने सुसाइड नोट में ऐसा लिखा है कि जिला शिक्षा अधिकारी और उनके कुछ 2 साथियों ने काफ़ी ज़्यादा इनको प्रताड़ित किया था, जिसकी वजह से वो सुसाइड किया उन्होंने, तो उसको भी जब्त किया गया है। पुलिस अभी इसमें मर्ग जांच कर रही है, इसमें इनके स्टेटमेंट लिए गए हैं और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ये हो जाता है तो हमको अगर एविडेंस मिल जाएगा कि इसमें पर्याप्त आधार है तो हम प्रकरण पंजीबद्ध करेंगे या अग्रिम कार्रवाई करेंगे। मृतक के परिजन धरने पर बैठे हैं, तो इनकी क्या किस तरह की मांग है, मतलब क्या चाहते हैं? इनका ये कहना है कि हमको जल्दी FIR मिल जाएगी, इसलिए FIR कराना चाहते हैं। इनका कहना है कि हमको न्याय नहीं मिल रहा है, तो इनके बच्चे से बात की थी, इनको बताया कि आप स्टेटमेंट दीजिए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह आ जाए, उस पर कार्रवाई।